अविश्वास प्रस्ताव में चली गई सुरेश कुमार के हाथों से मुजफ्फरपुर के मेयर की कुर्सी। नमस्कार, आप देख रहे वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से उमा शंकर गिरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के महापौर सुरेश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में सफल नहीं रहे। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 8 पार्षदों ने मत दिया, जबकि उनके विपक्ष में 31 पार्षदों ने वोट दिया। शनिवार के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए क्लब रोड स्थित निगम ऑडिटोरियम में निगम नगर निगम के बोर्ड की विशेष बैठक हुई। बैठक में महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बैठक में निगम के 48 में से 40 पार्षदों ने भाग लिया। बहस के बाद हुए मतदान में 8 वोट मेयर के पक्ष में और 31 वोट विपक्ष में पड़े। अविश्वास प्रस्ताव था जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 31 वोट पड़े और विपक्ष में 8 वोट पड़े। आज महापौर अपने कुर्सी से हट गए हैं। यही आप चुने गए हैं, क्या मुख्य ये रहेगा? अभी कहाँ चुने गए हैं? नहीं गए पार्षदों को। आप भी उम्मीदवार हैं, महापौर के रेस में चल रहे हैं, क्या कुछ कहना है? पार्षदों की सहमति होगी तो हम जरूर उम्मीदवारी अपना करेंगे और जरूर जीतेंगे। कितने पार्षद आपके खेमे में हैं अभी? सभी पार्षद में हमारे साथ हैं। सभी लोग हमें बोला है कि आप खड़े होइए और आपके समर्थन में है। कितने और मेयर आज अनुपस्थित थे, इस कारण से उपस्थित थे। परिचय अपने दीजिए। राकेश कुमार वार्ड पार्षद थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।